देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेंसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाल पटेल के साथ खबर सेंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तराखंड पछवादुन कालसी वन विभाग गेस्ट हाउस पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछवादुन इकाई की बैठक उत्कृष्ट सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट अरुण मोहन जोशी एसएसपी देहरादून के प्रतिनिधि के रूप में भूपेंद्र सिंह धोनी सीओ विकास नगर ने शिरकत की। चक्राता वन प्रभाग कालसी के डीएफओ दीपचंद आर के प्रतिनिधि के रूप में सुबोध कला एसडीओ कालसी, तहसीलदार चक्राता कृष्णदत्त जोशी, समाज सेवी सुरेंद्र सिंह चौहान कालसी, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष अमित सहगल, एडवोकेट मनीष दत्त, चेयर रिटायर प्रोफेसर यज्ञभूषण शर्मा, आरटीआई क्लब संस्थापक सदस्य रिटायर प्रोफेसर अशोक शर्मा, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा सभी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद उत्कृष्ट सम्मान के लिए देश और समाज के लिए सराहनीय उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर हंसराज अरोड़ा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर गरिमा भट्ट, रणवीर सिंह चौहान, निरुतन प्रधान, उत्तराखंड पुलिस के आरक्षी अव्वल सिंह लक्सर, मुकेश भट्ट थाना कालसी, उत्तराखंड संत निरंकारी मिशन के मीडिया प्रभारी भगतराज जोशी को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जी सर, नमस्कार सर। आज जो उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जो यहाँ पर ये बैठक और उत्कृष्ट सम्मान समारोह किया गया था सर, ये पूरा कार्यक्रम क्या था? देखिए, पत्रकार एक समाज में जब अपनी लेखनी के साथ उतरता है तो वो समाज को अच्छे और बुरे से परिचित कराता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। और यही काम पत्रकारिता में, जब समाज के लोग अच्छा और बुरा करते हैं तो लेखनी के माध्यम से ना करके आज उन पत्रकारों ने एक कार्यक्रम के माध्यम से उनके समाज में जो जिनके अच्छे कार्य थे उनको एक सम्मानित करने का काम भी किया है। और यही इसी रूप में आज जो जितने भी डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है और एडवोकेट को सम्मान किया गया है, वन विभाग के लोगों को सम्मान किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस के उन छोटे और बड़े कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है जिनसे समाज को बड़ी भारी अपेक्षाएँ रहती हैं। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। आज पछवादुन इकाई श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जो पछवादुन इकाई है उनके द्वारा ये कालसी वन विश्राम गृह पर ये उत्कृष्ट सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये बहुत ही सफल रहा है। और इसके विषय में आप किसको क्या श्रेय देना चाहेंगे और ये इसके माध्यम से आप देश को और प्रदेश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसके जो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछवादुन इकाई ने जो यहाँ पे वार्षिक बैठक और उत्कृष्ट कार्य सम्मान समारोह किया है, इसके लिए मैं पहले तो दिल से धन्यवाद पछवादुन इकाई की टीम को देना चाहता हूँ जिन्होंने रात दिन एक करके इस प्रोग्राम, इस आयोजन को सफल बनाया है। और मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि पत्रकारिता की एक मिसाल और एक लेखन की कहावत है, ये हमेशा होनी चाहिए। आज की डेट में हर जिले में या प्रदेश में या कहीं अदर इसमें पत्रकारों का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन 17-18 साल से प्रदेश में काम कर रही है और सबसे पुरानी यूनियन है, और उत्तराखंड में ही नहीं, हम अलग भी उत्तर प्रदेश, हिमाचल जैसे इसमें भी हमने कई पत्रकारों के साथ अगर उत्पीड़न हुआ है तो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन सबसे आगे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई है। और आगे का मैसेज यह है कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन कंटिन्यू अपने मेंबर्स बढ़ा रही है और 2020 तक 2000 मेंबर्स श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिले और इकाइयों में होने जा रहे हैं। मैं अगेंस्ट प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का धन्यवाद देता हूँ, बड़े भाई विश्वजीत सिंह नेगी जी का, इनका मार्गदर्शन हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है, जिला अध्यक्ष अमित सहगल जी का, इनका मार्गदर्शन भी हमें समय समय पर मिलता रहता है। मेरा यही मैसेज है सम्मानित पत्रकार बंधुओं से कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, मुखिया वही अच्छा होता है जिसका परिवार बड़ा होता है, इसलिए पत्रकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बैनर छोटा बड़ा होता है, पत्रकार तो पत्रकार होता है। और जितने भी आपने देखा होगा देश में बड़े बड़े घोटाले अगर खोले गए हैं तो एक छोटे पेपरों से ही खोले गए हैं,
वीकली पेपरों से खोले गए हैं, इसलिए छोटा पत्रकार या बड़ा पत्रकार कोई नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है, बैनर छोटा बड़ा होता है। इसलिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछुआ दून इकाई पूरे प्रदेश को और जिले को और समस्त पदाधिकारी और समस्त पत्रकार गण को एक मैसेज देना चाहती है कि पत्रकारिता की एकता पछुआ दून में ये मिसाल, और हम आगे इसको बढ़ाएंगे। और धन्यवाद, मैं एक बार पुनः अपने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछुआ दून इकाई का, सभी पदाधिकारी का, सदस्य गण का दिल से धन्यवाद देता हूँ।